तो वो सारू चलो चलो वो जाओ भाग जा ऐसा भगा दे वो जा बहुत ठीक है चल मैं जा मैं खड़ा हो रहा जा भाग जा हम खड़े चल। कलियर की टीम ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी का फैसला और रुक जा बहुत ठीक है रुक जा। आपको बता दिया जाए कि कादरी मलिक को बाहर बिठाया गया है क्योंकि काफ़ी भारी पड़ते हैं कादरी हमेशा से कलियर की टीम पर दबाव बनाकर रखते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं मैदान के बीच में और काफ़ी बातचीत करते हैं अपने खिलाड़ियों से और काफ़ी खौफ है कादरी का कलियर के बीच। एक बात और बता दें आपको कि कलियर कभी भी गढ़मीरपुर से कोई भी मैच नहीं जीत पाई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गढ़मीरपुर की टीम काफ़ी युवा खिलाड़ी को मोहसिन बॉलर गढ़मीरपुर में मौका मिला रब्बान बढ़िया ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए कुछ करना चाहिए और यहां पर अमन और शाहरुख कलियर की तरफ से ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाज और बॉल आई इसलिए खड़े हैं और कप्तान मोहसिन मलिक बॉल का आगाज करते हुए काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं मोहसिन मलिक काफ़ी दावदार रहेगा बॉलिंग का इनके ऊपर और बड़े बड़े नाम कलियर की टीम में गुलफरीद काफ़ी बड़े बल्लेबाज है और हमेशा से ही गढ़मीरपुर की टीम भारी पड़ी है कलियर की टीम पर काफ़ी दबदबा रहा है गढ़मीरपुर का हमेशा से ही और अभी भी बता दिया जाए आपको कि कादरी मलिक को बाहर बिठाया गया और मेन बॉलर शुभम को शुभम ने तहलका मचा दिया था कलियर में अपनी बॉलिंग का कहर मचा दिया था और कादरी ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और पहली बॉल शुरुआत करते हैं मोहसिन अमन स्ट्राइक पर देखते हैं क्या करते हैं गढ़मीरपुर क्लब काफ़ी अच्छी टीम और मोहसिन पहली बॉल का आगाज करेंगे अमन को और पहली बॉल फेंकती हुई यहां पर अमन देखते हैं क्या होता है पहली बॉल और यहां पर हवा में बॉल और यहां पर शहनवाज बल्ले कैच और ये काफ़ी बड़ा झटका लगा कलियर को। जी हाँ हम पहले ही बता रहे थे कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं मोहसिन और हवा में स्विंग कराते हैं और यहाँ पर दूसरे बल्लेबाज आते हुए इंतकाब आलम काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है ये भी और बता दिया जाए कि बैटिंग लाइनअप काफ़ी बड़ा है कलियर शरीफ का और यहाँ पर प्रधान अपनी टीम को समझाते हुए कादिर हाँ मैं उसके बाद है मावर के कादिर को अंदर बुलाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी सपोर्ट करते हैं कादिर मलिक अपनी टीम को और कादिर को काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं बैट्समैन भाई और इंतकाब आलम आते हुए काफ़ी दावदार रहेगा इनके कंधों पर कि अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छे रन बनाए और यहाँ पर मोहसिन की दूसरी बॉल और बॉल काफ़ी अच्छी और हवा में बॉल उठा कर मार दिया है 6 रन इंतकाब आलम काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हम बता रहे थे पक्की हुई बॉल शॉर्ट बॉल कराई नीचे को ले ले मेरा मानना ये है कि अभी अभी विकेट मिला है मोहसिन को मोहसिन को अभी अभी विकेट मिला है थोड़ी बॉल आगे करे और काफ़ी अच्छी स्विंग कराते हैं हवा में मोहसिन मलिक बॉलिंग थोड़ी आगे करनी चाहिए काफ़ी शॉर्ट बॉल ना दे। जी हाँ और हमारे साथी कमेंटर बता रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्स होकर बोले और यहाँ पर मनोबल बढ़ा होगा यहाँ पर मनोबल बढ़ा हुआ तो तीसरी बॉल मोहसिन मलिक और एक छोटी काफ़ी अच्छी बॉल स्विंग होती हुई अंदर की तरफ आई बॉल। जी हाँ काफ़ी बढ़िया बॉल की है हालांकि इससे पिछली बॉल पर छक्का लगा था इतनी भी गंदी बॉल नहीं थी लेकिन बल्लेबाज पहले ही तैयार था। चौथी बॉल मोहसिन करेंगे और यह फुल टॉस बॉल और स्लिप में थर्ड मैन की ओर जाती हुई बॉल देखते हैं क्या होता है और 4 रन। जी हाँ कैमरे में अगर बॉल लगेगी तो 4 रन दिए जाएंगे दोनों ही टीम को मिलेंगे 4 रन। जी हाँ दोनों का लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैच बहुत ही बड़ा मैच और 5वीं बॉल का आगाज करेंगे मोहसिन इंतकाब आलम को काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए इंतकाब आलम और ये 5वीं बॉल और छोटी बॉल थी राकिब के पास गई है बॉल और हाथ में बॉल। जी हाँ काफ़ी अच्छी बॉल पकड़ी है राकिब ने कोई रन नहीं दिया बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा गढ़मीरपुर क्लब द्वारा और काफ़ी और थोड़ी बॉल आगे और करनी चाहिए मोहसिन आलम को बोलो बोलते और ये आगे बॉल और काफ़ी अच्छा उछाल और ये बॉल बाई के 4 रन मिलेंगे
कीपर के ऊपर से गई बाई के चार रन और मिलेंगे और एक ओवर की समाप्ति पर 14 रन और। हालांकि एक बड़ी सफलता भी मिली है और यहां पर मैदान पे वापसी होगी, मैदान में वापसी होगी अब्दुल कादिर की, जो काफी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है अब्दुल कादिर। सलामी बल्लेबाज बड़े बड़े हिट लगाने के लिए माने जाते हैं। और गढ़मीरपुर क्लब की ओर से दूसरे बॉलर आए हैं अरुण, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है अरुण। जी हाँ, जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी करते हैं अरुण और बहुत ही बढ़िया प्लेयर अरुण। और यहाँ पर फील्ड सेट थोड़ी अच्छी लगानी पड़ेगी और काफ़ी स्पीड से बॉल कराते हैं अरुण, काफ़ी स्पीड से बॉलिंग कराते हैं अरुण। और ये पहली बॉल अरुण की, छोटी बॉल, वाइड बॉल। शाहरुख ने पहली बॉल को छोड़ दिया क्योंकि बॉल काफ़ी बाहर दी, वाइड बॉल थी ये। जी हाँ, बता दें आपको कि काफ़ी बड़ा मैच है, जो भी टीम मैच जीतेगी नॉकआउट मैच वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और अब्दुल कादिर काफ़ी सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को। जी हाँ, और ये पहली बॉल और ये खेल दिया है बल्लेबाज शाहरुख ने एक रन के लिए। सामने है मुनीर आलम जी, बॉल अरुण के पास वापस करते हुए, काफ़ी अच्छी बॉल अरुण, आगे बॉल कराई थी, काफ़ी समझदार बॉलर है वो जो काफी। ना वहाँ वहाँ। और मोहसिन को चाहिए कि थोड़ी बॉल आगे रखे, छोटी बॉल के लिए तैयार रहते हैं। इंतकाब का भी बड़े बल्लेबाज है, दिखाया भी उन्होंने बड़ा सीख। और ये उठाकर खेल दिया है राकिब बॉल के नीचे, देखते हैं क्या होता है। और ये राकिब फील्डिंग के लिए जाने नहीं जाते, कोई अगर अच्छा फील्डर होता तो कैच यकीनन पकड़ लेता, यकीनन माना जाएगा ये कैच मिस कराया है। आखिरकार फील्डर चेंज करते हुए, पता था कि कोई और फील्डर होता शायद कैच हो जाता। ओ राशिद, राकिब थोड़े बल्लेबाजी तो काफी अच्छी करते हैं। और ये अरुण की तीसरी बॉल, काफी अच्छी बॉल करते हैं अरुण। अरुण ने अपनी बॉल कराई छोटी बॉल और आफ्ताब के ऊपर से उठाकर खेल दिया है 6 रन के लिए। जी हाँ, और पहले ही हम बता रहे हैं कि छोटी बॉल के लिए इंतकाब तैयार रहते हैं, बॉलर फिर भी ऐसी कमी कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। थोड़ी बॉल आगे कराए, आगे बॉल कराई थी, अभी हवा में बॉल गई थी, एक चांस बना था वहाँ पे। और अरुण को चाहिए कि बॉल आगे ही रखे, शायद चांस बनेगा। अरुण पीछे से बॉल ना कराए, छोटी बॉल पर ही रन बना रहे हैं इंतकाब आलम। देखा, पहली छोटी बॉल थी जिस पर सिक्स लगाया था, दूसरी छोटी बॉल पर भी सिक्स लगा दिया। और यहाँ पर रब्बान समझाते हुए कि बॉल आगे कराए, बॉल पीछे से रन बन रहे हैं काफी। जी हाँ, रन चौका बस, आउट भी हो सके क्योंकि यहाँ से खींचेंगे ना। और यहाँ पर गुफरान समझाते हुए, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है गढ़मीरपुर टीम के, वो समझा रहे हैं कि बॉल को आगे कराए, उन्हें पता है क्योंकि वो पीछे से देख रहे हैं लाइव मैच। और ये अरुण एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे इंतकाब आलम। और ये बॉल कराई अरुण ने, जी हाँ, आगे बॉल दिस पार उठाकर खेल दिया 6 रन, मुनीर आलम के ऊपर से गई ये बॉल। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए इंतकाब आलम, मात्र 5 बॉल का इन्होंने सामना किया है, 20 रन बना चुके हैं इंतकाब आलम, 2 चौके और 2 छक्के, काफ़ी अच्छी बैटिंग, नहीं 22 रन बनाए हैं, एक कैच भी छूटा था इनका, बाल बाल बचे थे। और यहाँ पर अरुण लाइन और लाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी बॉल सही से डाल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पर कप्तान मोहसिन आलम और सोनू प्रधान अरुण को समझाते हुए कि बॉल थोड़ी सही से कराए, काफ़ी रन बन चुके हैं इस ओवर में। जी हाँ, जिस टाइम गढ़मीरपुर की बल्लेबाजी आएगी तो काफ़ी रनों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, इंतकाब आलम एक बार फिर से तैयार, अरुण और ये छोटी बॉल, और ये एज लगी। जी हाँ, खाली बॉल, कादिर काबी उत्साहित अपने प्लेयर को, काफ़ी अच्छी बॉल डाली है अरुण ने इस बार, बॉल लगकर उठी नहीं, थोड़ी नीचे रही बॉल। इंतकाब आलम एक बार फिर से, और छोटी पटकी हुई बॉल, इस बार रन नहीं मिलेगा इंतकाब आलम को, हालांकि शॉट खेलना चाहते थे पर बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई।
और 30 रन दो ओवर की समाप्ति पर क्लियर क्लब गए। गढ़मीरपुर बॉलिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन उनके बॉलर बिठा दिए गए हैं। काफ़ी बड़े बॉलर है शुभम, माने जाते हैं गढ़मीरपुर के नंबर वन बॉलर, काफ़ी अच्छी स्लो और वर्म भी डालते हैं शुभम। आखिर उन्हें बिठा दिया गया है आज, और कादिर अपने कप्तान मोहसिन आलम को समझाते हुए कि बल्लेबाज कौन सा शॉट खेलना चाह रहा है, कहाँ पे बॉल डाले आखिरकार। और सामने कादिर जाते हुए मोहसिन को समझाकर, मोहसिन के ओवर का स्पेल का दूसरा ओवर, पहली बॉल सामना करेंगे शाहरुख। काफ़ी अच्छी बॉल मिस की, जी हाँ बहुत ही अच्छी बॉल कराई इस बार मोहसिन ने। समझ गए कि कहाँ से खेलना चाह रहे हैं। मोहसिन काफ़ी समझदार प्लेयर है, पहले मैच में भी 3-4 विकेट लिए थे इन्होंने, और ये दूसरी बॉल, और मोहसिन और काफ़ी अच्छी बॉल, जी हाँ इसी के लिए जाने जाते हैं मोहसिन। लंबी छोटी का भी प्लेयर है, और बताया जाए कि मोहसिन को काफ़ी स्विंग भी मिलती है हमें, बढ़िया बॉलिंग है, बहुत अच्छे बॉलर है। इनका निक नेम है मोटा, जो हमें भी गुफरान आलम ने बताया। जी हाँ मोहसिन अपनी बॉल का, और ये इनसाइड एज और थोड़ी आगे गिरी कीपर से, वरना कैच हो जाता। काफ़ी अच्छी बॉल, जो बॉल बताई शाहरुख, बता दे कि शाहरुख बहुत ही बड़े बल्लेबाज है, काफ़ी लंबी लंबी हिट लगाते हैं, काफ़ी लंबी लंबी हिट के लिए माने जाते हैं मोहसिन। और इंतकाब आलम तो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शाहरुख को समझाते हुए। जी वो शॉट खेलने के लिए जा रहा है, चल मोहसिन आलम अगली बॉल लेते हुए, और ये काफ़ी अच्छी बॉल, और एक उस पार फिर छोटी बॉल, और कादिर के पास जाती हुई, और डायरेक्ट थ्रो करनी चाहिए, कादिर के हाथ में नहीं आई ये बॉल, रनआउट का मौका बन सकता था इस बॉल पर। और इंतकाब आलम फिर से आए हैं, इंतकाब ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है अभी तक, और मोहसिन अपनी 5वीं बॉल कर लेकर चलते हुए, और इंतकाब और स्लो बॉल, काफ़ी चतुर बॉलर है मोहसिन आलम, और इसके लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकर बॉलर है। हालांकि पहली बॉल पर विकेट दिलाई थी, उसके बाद विकेट नहीं मिली है गढ़मीरपुर क्लब को, और बल्लेबाज काफ़ी हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इनसाइड एज और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर शहनवाज गई, नहीं सारी बढ़िया। और यहाँ पर उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी गुफरान ने बताया था कि इस बल्लेबाज को यहाँ से बॉल कराए, जितनी दूर खिलाएगा उतना बढ़िया। गुफरान ने पहले ही बताया था कि यहाँ से बॉल कराए भाई, इनसाइड एज लगने का काफ़ी चांस रहेगा। इस ओवर में ऐसा ही देखने को मिला, बॉलर ने उनकी सुनी और उसी लाइन पर बॉल की। और युवा प्लेयरों को समझाते हुए गुफरान, अरुण आए हैं इस बार, काफ़ी रन पड़े थे अरुण को इस बार थोड़ी अच्छी, और अरुण की ये बॉल काफ़ी अच्छी बॉल, अरुण पढ़ नहीं पा रहे हैं शाहरुख, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आज, पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है ये, क्योंकि आखिरकार अभी तक गढ़मीरपुर का पहली बार सामना हुआ है इस टूर्नामेंट में, दोनों ही टीम आमने सामने। जी हाँ जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम, अरुण की ये बॉल स्लो ओवर वन, और यहाँ पर कैच का फैसला, और यहाँ पर आफ्ताब आलम नीचे, और यहाँ पर कैच हो सकता था अगर थोड़ा आगे होते, काफ़ी आगे थी बॉल अरुण, जी हाँ काफ़ी अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छी बॉल थी, यहाँ पर अरुण ने चांस बनाया था। ऐसे चांस आपको बनाने पड़ेंगे आखिरकार, क्या ऐसे चांस बनाए आप, आपको हाफ चांस लेना पड़ेगा, वरना शाहरुख बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं भाई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शाहरुख, अभी तक उनके बल्ले पे उस हिसाब से बॉल आई नहीं जिस हिसाब से जाने जाते हैं शाहरुख। और यहाँ पर अरुण की तीसरी बॉल, अभी तक काफ़ी अच्छी बॉल की है इस ओवर में, और तीसरी बॉल सामने शाहरुख, और इनसाइड एज, और यहाँ पर साफ आउट, यहाँ पर साफ आउट, साफ इनसाइड एज लगी थी, जी हाँ। और यहाँ पर गढ़मीरपुर क्लब खुशी मनाती हुई, दूसरे विकेट का पतन हुआ, शाहरुख की समझ में नहीं आ रही थी आज, वरना काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शाहरुख, बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन अरुण ने उन्हें पढ़ लिया था, एक ही लाइन और लेंथ पर बॉल कर रहे थे, और गढ़मीरपुर को एक और विकेट मिला,
पूरी टीम में खुशी का लहर। और कलियर क्लब से सबसे बड़े बल्लेबाज कुलफरीद ग्राउंड के अंदर, सबसे बड़े बल्लेबाज है बता दें आपको कलियर टीम के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है, अकेले ही दूसरी टीम को हराने की क्षमता रखते हैं गुलफरीद। लेकिन गढ़मीरपुर भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग के लिए और बैटिंग के लिए जाने जाती है, ऑलराउंडरों से भरी ये टीम। जी हाँ, मोटे बताया क्या, और यहाँ पर उनके साथ खिलाड़ी बता रहे हैं कि कैच से पहले ना खड़ी होने का भी चांस कैच आएगा। जी हाँ, उनके बल्लेबाज पीछे से बता रहे हैं कि भाई यहीं पर बोल रहा है चांस बनेगा एक और। गुलफरीद काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज है, गुलफरीद अपने ही बैट से खेलते हैं, अपना खुद का बैट है गुलफरीद को बॉल और उनकी, और यहाँ पर सम्मान दिया और काफ़ी कादिर काफ़ी चतुर। जी हाँ, बॉल की तरफ काफ़ी तेज़ी से आया अब्दुल कादिर, और यहाँ पर मोहसिन कप्तान, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है अभी गढ़मीपुर, हालांकि एक दो ओवर गलत डले थे उसके बाद वापसी की है। अरे कोई बात नहीं, बाहर का गुलफरीद, गुलफरीद को अरुण की बॉल, देखते हैं क्या करते हैं गुलफरीद, और ये बॉल डाली स्लो ओवर वन का चांस, और यहाँ पर मुनीर के पास गई है बॉल, हालांकि हवा में काफ़ी अच्छी फील्डिंग मुनीर आलम द्वारा, और एक काफ़ी अच्छा ओवर चलता हुआ अभी अरुण का, हालांकि एक चार रन लगे थे पर वो हाफ चांस था, कैच भी आउट हो जाते, लेकिन उसी से अगली गेंद पर सफलता दिलवाई अरुण ने। इंतकाब अभी तक सबसे अच्छी बल्लेबाजी की है इंतकाब ने कलियर की साइड से, बड़े बड़े दो सिक्स भी देखने को मिले हैं इंतकाब के बैट से, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इंतकाब आलम। अरुण की बॉल इंतकाब को, और ये जट में बॉल थी और काफ़ी लंबा हिट लगा दिया इंतकाब ने, छः रन। जी हाँ, यहाँ से बॉल डालेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा अरुण भाई, आपको अपनी लाइन थोड़ी खींचनी पड़ेगी, थोड़ी बाहर से स्विंग कराए, काफ़ी अच्छी बॉल कर रहे थे आप, आपने वही गलती दोबारा से दोहराई, और यहाँ पर माना नहीं उस बॉल को, यहाँ पर समझाते हुए सभी साथी खिलाड़ी के आप अरुण भाई वहाँ से बॉल ना कराए, काफ़ी अच्छा ओवर जा रहा था अभी तक। और यहाँ पर मेरे पास गढ़मीरपुर क्लब के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज शहनवाज आलम अपनी बेस्ट फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं, और रब्बान आलम अभी तक बैटिंग का मौका नहीं मिला इस प्लेयर को, ना ही बॉलर में, बता दें कि ऑलराउंडर प्लेयर है, मौका मिलना चाहिए इन्हें। और मेरा मानना यह है कि अगर मैं कप्तान होता तो एक दो ओवर ज़रूर डलवाता इनसे। जी हाँ, और यहाँ पर सबसे खतरनाक बॉलर आए हैं गढ़मीरपुर क्लब से, मुजफ्फर उर्फ बरकत हुसैन तोपची, बरकत हुसैन तोपची के नाम से मशहूर है, और इनका कहना है कि मुझे हवा में अगर बोल जाए कैच तो मुझे खुशी नहीं होती, मुझे डंडा बाहर चाहिए बल्लेबाज का। और जड में बॉल डालते हैं अपनी बॉलिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग है, स्पीड काफ़ी अच्छी है, पाँच छः नौ उधर काफ़ी अच्छी स्पीड है। और यहाँ पर गढ़मीरपुर को चाहिए कि जल्द से जल्द गुलफरीद जैसे बल्लेबाज को पवेलियन लौटा जाए, वरना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े लंबे हिट लगाते हैं। मुजफ्फर का पहली बॉल, और यह जड़ में बॉल, ओ यहाँ पर बाल बाल बचे, राकिब के हाथों में बॉल नहीं आई, रन आउट का भी मौका बन सकता था, काफ़ी अच्छी बॉल मुजफ्फर की। जी हाँ, मुजफ्फर जाने जाते हैं यूअर करके लिए, काफ़ी जड़ में डालते हैं बॉल, और यहाँ पर अब्दुल कादिर समझाते हुए कि भाई बॉल यहीं से कराए, विकेट का चांस जरूर बनेगा, आप यहां से बॉल कराएंगे। जी हां, काफ़ी उत्साहित कादिर और टीम में, जैसे कादिर की वापसी हुई है और काफ़ी साहस बढ़ता हुआ टीम का, और ये अगली बॉल इनसाइड एज, जी हां, कैच पीछे आ सकता था एज लगकर, लेकिन लैग में गई बॉल, और यहां पर आफ्ताब ने शहनवाज के पास बॉल वापस की, और कादिर काफ़ी चुस्त टीम के बीच में। जी हाँ, मुजफ्फर को पढ़ नहीं पा रहे, दोनों ही बॉल अच्छी लाइन से कराई, और मुजफ्फर की तीसरी बॉल गुलफरीद सामना करेंगे, और ये फुल टॉस बॉल, काफ़ी गंदी बॉल थी, छः रन मिल सकते थे आखिरकार, वाइड बॉल हुई एक रन, मुजफ्फर काफ़ी स्पीड है इनके पास, इसीलिए इन्हें गढ़मीरपुर क्लब में डाला गया है, काफ़ी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। छोटा रन, अब अगली बॉल गुलफरीद, और छोटी बॉल, और सामने से उठी वाइड बॉल दी गई एम्पायर द्वारा, आखिरकार वैसे अच्छी बॉल थी है, लेकिन एम्पायर का जो डिसीजन होगा। जी हाँ, मुजफ्फर की अगली बॉल, और यहाँ पर
गुलफरीद को छोटी बॉल और काफ़ी लंबा हिट गुलफरीद जिसके लिए जाने जाते हैं, आखिरकार वही हुआ लैग में 6 रन मिलेंगे मुजफ्फर को, पड़ेंगे। और यहां पर ऐसी बॉल डालेंगे तो अडमीरपुर को काफ़ी भारी पड़ सकते हैं रन, क्योंकि बल्लेबाजी से बता दिया जाए कि कादिर को मना कर दिया गया है मुजफ्फर। अगली बॉल गुलफरीद, और गुलफरीद ने एक बार और सम्मान दिया बल्लेबाज को, और यहां पर 2 रन लेना चाहेंगे लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज। जी हाँ, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम। दोनों ही टीम के बीच बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ काफ़ी खतरनाक मूड में रहते हैं दोनों टीम। मुजफ्फर की अगली बॉल इंतकाब को, और ये इनसाइड एज लगी है, अपील जोरदार अपील, देखते क्या होता है। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, काफ़ी बड़ी अपील की थी और होना भी ऐसे ही चाहिए। मुजफ्फर जी हाँ, बॉल तो काफ़ी अच्छी डाल रहे हैं, एक ही बॉल गंदी डाली जिस पर 6 रन पड़े, नहीं तो काफ़ी अच्छी बॉल डाल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। बॉल और संपर्क, बल्ले का संपर्क सही से नहीं हो पा रहा बल्लेबाजों से। अगली बॉल लेकर चलेंगे मुजफ्फर इंतकाब आलम को, और ये बॉल डाली और ये फुल टॉस बॉल, एक और वाइड बॉल, अपनी लाइन भटक चुके हैं, काफ़ी भारी पड़ेंगे ये गणमीरपुर को रन बता दिया जाए। जी हाँ, मुजफ्फर थोड़ा अंदर बॉल डालेंगे मुजफ्फर इस बार। जी हाँ, और ये बढ़िया बॉल, और यहाँ पर कादिर आलम, और बॉल हाथ से नहीं पकड़ी गई कादिर के, 1 रन मिलेगा, हालांकि बॉल रुकनी चाहिए थी, काफ़ी बढ़िया फील्डर है कादिर, ऐसी उम्मीद अधिकतर टीम इनसे ऐसी उम्मीद नहीं किया करती कि इनके पास बॉल जाए पकड़ ना पाए। जी हाँ, अगली बॉल मुजफ्फर को, मुजफ्फर की गुलफरीद को, और सामने बॉल डाल दी और गुलफरीद ने एक और 6 रन लगा दिए हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस बल्लेबाज को रोकना होगा गणमीरपुर क्लब को। मेरी भी मान लेती है एक बात मैं। जी हाँ, और यहाँ पर 65 रन हो गए हैं 8 ओवर में। बारह का अवरेज चल रहा है कलियर क्लब का, और कलियर को काफ़ी भारी पड़ेंगे रन, गणमीरपुर को सॉरी, काफ़ी भारी पड़ेंगे रन, क्योंकि बल्लेबाजी का भार तारमदार, और यहां पर जल्द ही कप्तान को कुछ करना होगा, काफ़ी रन बनने हैं, 12 के औसत से रन बनने हैं। तीसरे रन के लिए फिर से अरुण को लाया गया है, टीम को अभी भी काफ़ी उम्मीद है कि एक आधी सफलता जरूर दिलाएं अरुण, और रोकना भी होगा कम स्कोर पर, क्योंकि बल्लेबाजी इतनी खास नहीं है, अभी फॉर्म में नहीं है गणमीरपुर क्लब के बल्लेबाज, सभी रेस्ट के लिए थे, पहला टूर्नामेंट है। और जी हाँ, अरुण की पहली बॉल, तीसरे ओवर की छोटी बॉल, और यहाँ पर ऊपर से खेल दिया है, 4 रन मिलेंगे ऑफ स्टंप पर, और इन तक आप काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, काफ़ी रन बना दिए हैं इंतकाब ने, बॉल करवाए आई, और यहाँ पर गुफरान बता रहे हैं बाहर से कि भाई यही बॉल कराए, एक फील्डर बाहर होना चाहिए, और यह बॉल अगर कराएगा तो विकेट की सफलता भी हो सकती है, सही कह रहे हैं वो। अरुण की दूसरी बॉल, और ये स्लोर वन, वाइड बॉल, जी हाँ वाइड बॉल, काफ़ी एक्स्ट्रा रन बनने हैं, हालांकि गणमीरपुर एक्स्ट्रा रन देने के लिए मानी नहीं जाती, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़, बड़ा मुकाबला, जो भी टीम मैच जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और यहाँ से गणमीरपुर चाहेगी कि वो फाइनल में खेले, क्योंकि वो मानी जाती है बहुत ही बड़ी टीम है, हमेशा जिस टूर्नामेंट में खेलती है फाइनल में ज़रूर जाती है वो, लेकिन उसके 3-4 खिलाड़ी बाहर बैठे हैं जो काफ़ी बड़े नाम थे। और उनकी तीसरी बॉल सामने है इंतकाब, और इस बार छोटी बॉल, और ये सामने मुजफ्फर, ये फील्डिंग के लिए जाने नहीं जाते मुजफ्फर। जी हाँ, बता दिया जाए कि मुजफ्फर इतने अच्छे फील्डर नहीं है, वरना रन आउट का चांस बनता साफ, क्योंकि बल्लेबाज काफ़ी आगे निकल चुके थे, और फील्डिंग चेंज की गई है, रब्बान काफ़ी चुस्त फील्डर, उनको लगा दिया गया है वहाँ पर,
मुजफ्फर को ऐसे चांस बनाने पड़ेंगे भाई, बॉल हाथ में पकड़े आउट का चांस बन सकता था यहाँ पर, थोड़ा बॉल को रिलैक्स होकर पकड़े। आप काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है गढ़मीरपुर के, और अरुण अभी तक अच्छी बॉल डाले है अरुण, अरुण की ये बॉल गुलफरीद के सामने, और इस पार खेल दिया है मुनीर आलम वहाँ पर तैनात, बहुत चुस्त फील्डर है मुनीर आलम ने, काफ़ी अच्छी फील्डिंग और यहाँ पर बहुत ही अच्छा थ्रो किया मुनीर आलम ने। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा गुलफरीद को। और यहाँ पर प्रधान काफी बोलते हुए के आगे बोल न कराए भाई, काफी रन बनने हैं, रन ऐसे न लुटाए, बनाने पड़ेंगे आखिरकार ये रन। और बात का तब पता चलेगा जब गढ़मीरपुर बल्लेबाजी करेगी, एक एक रन मेन होगा वहां पर बनाना। काफी रन पड़ चुके हैं इस ओवर में, 12 रन जा चुके हैं, 4 बॉल हुई है, एक वाइड, एक फोर और एक सिक्स और एक सिंगल आया इस ओवर में। और काफी बड़े बड़े नाम गढ़मीरपुर की टीम में नहीं है, मोहम्मद कैफ बता दिया जाए आप, मोहम्मद कैब भी नहीं है, ताज आलम नहीं है, और यहाँ पर लाखा नहीं है, शाबाज नहीं है, गुफरान को भी रेस्ट कराया गया है, अब्दुल कादिर एक्स्ट्रा के तौर पर खड़े, और अगली बॉल सामने गई बॉल और कादिर के पास बॉल, और काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर कादिर की। और अरुण की लास्ट बॉल सामना करेंगे गुलफरीद, और लास्ट बॉल अरुण की, चाहेंगे वो विकेट दिलाए, और काफी अच्छी बॉल, अरुण को बार बार समझाया जा रहा था भाई इस लाइन पर बॉल करे आप, और यहाँ पर सोनू प्रधान लेकर आएंगे शायद, क्योंकि वो काफी बार गुलफरीद को आउट करने में सफल रहे हैं। और यहाँ पर चाहिए कि गुफरान थोड़ा कैमरे पे आए, टीम को सपोर्ट करे, काफी समझा रहे हैं गुफरान अपनी टीम को कि भाई फील्डिंग सही से लगाओ। अब लिया क्या प्रधान तू वैसे न कर, अगर गुफरान काफी गुस्सा है क्योंकि फील्डिंग सही से नहीं लगा पा रही थी गढ़मीरपुर की टीम, और चांस बन सकते थे क्योंकि काफी बार हवा में गई उस साइड बॉल। और प्रधान आए हैं बॉलिंग के लिए, आखिरकार जाने नहीं जाते, लेकिन जब भी टीम मुसीबत में होती है अपनी टीम को कई बार बाहर निकाल कर ले गए हैं प्रधान, उस प्लेयर का नहीं मुझे पता लग रहा है, टाइम पर विकेट दिलवाते हैं और सोनू प्रधान इंतकाम को बोल, और एक पहले बॉल, और एक जिसके लिए आए थे सोनू ने अपना काम कर दिया, वो कैच आउट इंतकाम आलम, काफी बड़ा झटका और साफ आउट। जी हाँ, हम बता रहे थे कि प्रधान जाने जाते हैं तब जब भी टीम मुसीबत में होती है, और काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे इंतकाम आलम, बहुत ही तगड़ी बैटिंग कर गई। और यहाँ पर समझाते हुए गुफरान भाई, आपको पहले ही फील्ड चेंज करनी थी, वहाँ पे फील्डर लो, और आखिरकार सुनी उनकी कप्तान ने, विकेट मिली सोनू ने, जिस चीज के लिए आए थे सोनू वो काम कर दिया उन्होंने। जब भी गढ़मीरपुर की टीम परेशान रहती है विकेट दिलवाते हैं सोनू प्रधान, काफी बड़े प्लेयर है वो, और कैच भी। जी हाँ, हालांकि बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बॉलिंग के लिए इतने खास प्लेयर नहीं है, लेकिन अपना काम कर जाते हैं वो। और बड़ा विकेट मिला नए बल्लेबाज, आखिर उनका नाम बताया कोई हमें, रहमान आए हैं अब्दुल रहमान, छोटी बॉल इस पास ही उसी साइड में खेल गया, और यहाँ पर आपको बॉल नहीं दिखाई दी भाई 4 रन, और काफी गुस्से में कादिर काफी बोल रहे हैं भाई क्या हो रहा है सोनू भाई, क्या सही कर रहा है, बॉल सही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर बॉल, हाँ सिंगल था, और यहाँ बढ़िया बॉलिंग भी बाहर से बोलते हुए, और ये अगली बॉल, और यहाँ में बॉल, और 6 रन रहमान, जो कि कंपनी क्लब के खिलाफ काफी तगड़ी बल्लेबाजी कर गए थे, तहलका मचा दिया था उन्होंने, 59 रन बना के गए थे सोनू। और यहाँ पर गुफरान जाते हुए आखिरकार अगली बॉल रहमान को, और काफी अच्छी बॉल, जी हाँ घुमाई थी बॉल इस बार, मोमेंट मिला
काफी अच्छी बॉल थी, तकड़ी बॉल थी, बल्ले से भी लगती तो फील्डर ले रखा था वहां पे, विकेट का चांस बन सकता था। और अगली बॉल प्रधान की, और फिर से छोटी बॉल, और इस बार ऊपर से खेल दिया है, 6 रन, काफी रन पड़े इस ओवर में। हालांकि एक सफल तक जरूर मिली पर रनों का भार नहीं रोक सके। आखिर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है कि रन काफी पड़ रहे हैं भाई। गंदी बॉल थी कादिर बोलते हुए कि भाई, और ये अगली बॉल प्रधान की, और ये इस बार अच्छी बॉल, थोड़ा लाइन को खींचा, आगे डाली बॉल और खाली बॉल। और यहाँ पर मुनीर आलम आएंगे अगले ओवर के लिए, लेफ्ट आर्म बॉलर, और काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं मुनीर आलम। ओ मोटे, यो तो अंदर आ गए, तू बाहर ले ले, इसे ही करवा बॉलिंग, एक रन जा गया यार, पर 16 बाउंड्री नहीं आने की, काफी बड़ा ओवर। और हर ओवर में छक्के चौके खा रहे पर यहाँ पर कमेंटर बता दे मुनीर काला, और ये मुनीर आलम काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं मुनीर आलम। और बता दे रही है कि गुलफरीद भी काफी तगड़े बल्लेबाज है, क्लियर के अपनी बड़ी बड़ी के लिए माने जाते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मुनीर की पहली बॉल, गुलफरीद को सम्मान दिया, काफी अच्छी बॉल, और रन आउट का चांस बन सकता था मगर कीपर के दस्तानों में नहीं फंसी बॉल। बढ़िया बेटे, बढ़िया बॉल है तेरी, काफी अच्छी बॉल मुनीर आलम। और मैं मानता हूँ कि मुनीर को एक दो ओवर पहले लाना चाहिए था इन्हें, क्योंकि काफी अच्छी बॉल कराते हैं, काफी लेट बॉल के लिए आए हैं मुनीर आलम की दूसरी बॉल, सामना करेंगे रहमान। और ये फुल टॉस बॉल, और यहाँ पर पीछे राकिब, काफी अच्छी फील्डिंग, और यहाँ पर थोड़ी मिस फील्ड, हालांकि बॉल लोग ली, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया बॉल है बेटे तेरी, बढ़िया बॉल, अभी तक काफी अच्छा ओवर करते हुए मुनीर, दो बॉल की है, दो रन खर्च किए हैं। मुनीर की तीसरी बॉल, सामना करेंगे गुलफरीद, और गुलफरीद अभी ऐसी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, और ये हवा में गेंद, और ये बॉल बाहर, इनसाइड ही लगी, फिर भी 6 रन चले गए, ऊपरी भाग लगा था बल्ले का, जी हाँ 6 रन। और यहाँ पर कप्तान मोहसिन समझाते हुए कि भाई थोड़ा बॉल से ही करे, मुनीर की अगली बॉल सामना करें गुलफरीद, और यहाँ पर रन नहीं देंगे क्योंकि अरुण काफी तेज फील्डर है, उनसे रन चुराना बहुत भारी होगा, रन तो 150 तक बना लेंगे, और प्लेयर 2-3 खिलाया तो नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं उन्हीं के पूर्व खिलाड़ी बल्लेबाज बता रहे हैं गुफरान कि हमारी टीम 150 भी चेस करेगी, काफी उम्मीद रहती है रहमान को बॉल, रहमान समझ नहीं पाए इस बॉल को, काफी अच्छे बल्लेबाज है रहमान, जी हाँ काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने पिछले मैच में, बड़े बड़े हिट के लिए माने जाते हैं रहमान। पर मुनीर भी इतने सफल बॉलर है, काफी अच्छी बॉल कराते हैं मुनीर आलम, बेहतरीन बॉलिंग अभी तक, हालांकि एक सिक्स पड़ा है अगली बॉल रहमान को, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, वाइड बॉल, काफी अच्छा प्रयास कर रहे थे रहमान, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे शॉट को। और यहाँ पर दर्शकों की मांग है कि कैमरा उनकी तरफ घुमाया जाए, जी हाँ सामने बैठे हैं तैयब आलम, और अगली बॉल का सामना करेंगे, जी हाँ अगली बॉल मुनीर की इनसाइड एज, सामना करें पीछे मुझे, पर काफी अच्छी फील्डिंग, और रन आउट हो सकते थे अगर डायरेक्ट हिट का, और काफी अच्छी फील्डिंग मुजफ्फर द्वारा, काफी अच्छे फील्डर है मुजफ्फर, जी हाँ काफी अच्छी फील्डिंग की है मुजफ्फर ने इस बार, जी हाँ रन आउट हो सकते थे मुजफ्फर भाई, अगर आप डायरेक्ट हिट करते तो रन आउट का चांस बन सकता था यहाँ पर। और बल्लेबाजी पे थे गुलफरीद जो काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, और कादिर बॉल है, थोड़ा टाइट कर बॉल डाले भाई, ऐसे रन ना लुटाए, बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर कड़मीरपुर के एक और प्लेयर हमारे पास आते हुए, इसे क्यों खिला रहा है? अपनी जगह उन्होंने आज एक युवा प्लेयर को डाला है, जी हाँ कादिर को, कादिर ने अपनी जगह आज एक युवा प्लेयर को चांस दिया है, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं कादिर, हालांकि आज वो खेले नहीं, उन्होंने अपनी जगह दूसरे खिलाड़ी को चांस दिया,
बस इतनी बहुत। और यहाँ पर मोशीन अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर चलते हुए और तीसरा ओवर लेकर चलते हुए काफी अच्छी बॉल, और साम पीछे फील्डर अरुण काफी अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, अरुण काफी अच्छे फील्डर है गढ़मीपुर टीम के। और गुलफरीद बल्लेबाजी करते हुए काफी तगड़े बल्लेबाज है गुलफरीद, लेकिन मोहसिन भी काफी अच्छे बॉलर है, कप्तान है अपनी टीम के। अगली बॉल मोहसिन की सामना करेंगे गुलफरीद, उठाकर खेलना चाहते थे, बॉल बाहर से की थी, हालांकि वाइड बॉल होगी लेकिन लाइन और लाइन थोड़ी और खींचे, काफी अच्छी बॉल हो सकती है। और यहाँ पर उफान भाई बोलते हुए कि कादिरो खेलना चाहिए था टीम में भाई, आपकी जरूरत थी टीम को। और यहाँ पर अगली बॉल मोहसिन की उठाकर खेल दिया है और छह रन। गुलफरीद जाने जाते हैं, गुलफरीद बड़े बड़े हिट के लिए, क्लियर की टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज है ये, काफी भार होता है इनके कंधों पर। और नाजिम भी बोल रहे हैं, और अगली बॉल मोहसिन की गुलफरीद को उठा के खेलना चाहते थे, और राकिब और ये नाजिम है, सॉरी वो कादिर कर रहा है, काफी अच्छी फील्डिंग। इसे क्यों खिलाया? और यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जो रब्बान है वो आफ्ताब एक प्लेयर है, वो बाहर है, वो फील्डिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दिया जाए कि आफ्ताब नहीं करने का, आफ्ताब बैटिंग करेंगे, रब्बान को एक्स्ट्रा ने किया है शायद खड़ा कर्णीपुर ने, काफी अच्छा बल्ला गुलफरीद, हवा में बॉल और छह रन, काफी रन पड़ रहे हैं मोहसिन भाई। जगह में एंट्री कर रहे हैं अपने चल तो रही नहीं है, अच्छा नहीं हमारे पॉज कर देना 2 सेकंड। देगा मौत की टीम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पीछे आ जा यार, बैकअप करो। देखो मेहरे वाला तो बेहतरीन चल रहा, उसमें होनी है बैठते सारा बस सामने से उठी तो कोई नहीं मोहसिन खेलो। किसमें मेरे वाले में जादो, वो मैंने कम कर रखा मामला, इसका फुल ब्राइटनेस सब हो रखी है। मोहसिन तू ही चला जा बाहर, सोनू खेल रहा था, जीत जाए मैं दोनों तो वो भी होना चाहिए था यार। हाँ, उस तो गलत बिठवाया ना, वो मैच खेल गया था बहुत, सारी कंपनी की आईडी बनाओगे सब। लूज प्लेयर कौन कौन है? मुजफ्फर नहीं खेलने का, बॉलिंग नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस इनके सामने तू बॉलिंग कर लेगा, मुजफ्फर पर हुई बॉलिंग बड़े बोल रहे थे दबो वो तो डर रन वगैरह ट्रेंडिंग में नहीं होगा। हर बॉल पर चौका खा रहे, सिंगल पर नहीं जा रहे हैं। अरे चौके चौके खाए बहन का लौटा सारा, मुझे गुस्सा आ रहा है लोसड़ी का। अरे लंबी छोटी गई को प्ले रहे हैं चिंटू
इससे तो कुछ भी नहीं खेलना। मैं जिससे तू यहाँ तेरी बॉल तो एक भी नहीं खेल सकता। ये चिंटू ये बॉल कहाँ बेटे हार तो और लेफ्टी तो लेफ्टी चाहो तो किसी को भी नहीं मार सकता। लेकिन इस मोटा का दिन नहीं होता घुमा बल्ले भाई बल्ले मार और बहन के लाउडी में डरा बेटा बोल ले लो तीन दो तो ले और काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए रहमान। जी हाँ हम बता रहे थे इनके बारे में सिंगल नहीं है काफी पिछले मैच में भी काफी तगड़ी बल्लेबाजी कर गए थे वो मुनीर आलम। काफी ज्यादा पिटाई हो रही है उनकी फुल टॉस बॉल कराई थी डायरेक्ट बल्ले में मार दी थी अगली बॉल मुनीर आलम की काफी अच्छी बॉल समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा मैच की प्रधान को कुछ नहीं पता यार और हमें गुस्सा है जल्दी बात करो आपको जा मैं तो सही बता रहा टाइम पे काम आओ बहुत मारा होगा उल्टी बहुत तगड़ी चीज हाँ तो मान इसकी तो मनाई सर भाग के जाओ गुफरान जा जल्दी ग्राउंड में जा कादिर के थ्रू जा जल्दी सोनू प्रधान एक बार फिर से ओवर लेकर आए हैं। गुल फरीद काफी लंबे से क्रीज पर है तो उन्होंने तहलका मचा रखा है और ये काफी अच्छी फील्डिंग राशिद करते हैं बात और यहाँ पर एक बल्लेबाज हो रहे गडमी क्लब का आफ्ताब जिसकी जगह पर एक्स्ट्रा खड़ा गया है और काफी अच्छी बॉल और यहाँ पर हाथ में बॉल नहीं आई और दो रन दे दिए यहाँ पे और काफी गुस्से में प्रधान क्या हो रहा है आखिरकार। जी हाँ एक भी रन नहीं होना चाहिए था दो रन दे दिए फंगड़ ने और आफ्ताब काफी बड़े बल्लेबाज है और हवन ऊपर बॉल कराए गए तो गुलफरीद है उनका नाम गुलफरीद है आप उन्हें बॉल कराएंगे ऊपर तो वो बाहर ही मारेंगे भयंकर भाई। जी हाँ काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए गुलफरीद घर आ जा 20 मिनट में घर चला गया प्रधान और काफी तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं क्लियर और यहाँ पर बॉल फील्डर बता रहे हैं थोड़ा दम लगाकर फेंके बॉल अगली बॉल प्रधान की सामने करें गुलफरीद और उठाकर खेलना चाहते थे और सामने और पीछे खुद भागे प्रधान कादिर भाई का ये थोड़ी देर बनाई मेरे बने और नहीं होने निकाल दे मैं खा गाऊंगे जितनी देर हो गए ना या कर बोल ऊपर पग है 148 मात्र 6 रन आए सोनू आज सारे बाउंड्री के रन गए सिंगल रन नहीं आया इतना एक और यहाँ मैं एक घंटा हो गया कुत्ते की तरह मुझे भूख लग रही है मैच ना जीतने मुझे भूख लग रही है नहीं वो है नहीं यहाँ से आपका 148 लास्ट ओवर है ना मैं तो 150 पे खुद कह रहा जीत जाएंगे हम लेकिन उसके लिए मोटा कादिर होना बहुत जरूरी है प्रधान इतनी देर में ढेर मारा
लास्ट ओवर है। एक सौ 48 रन कितना ओवर मैच है? 12 का 12 ओवर लास्ट ओवर 11 ओवर में 148 रन। और आफ्ताब अपना पहला ओवर करेंगे गुलफरीद को। गुलफरीद तैयार पहली बॉल फुल टॉस बॉल और ये यहाँ पर 6 रन हो गए अपनी टीम के लिए। 5 रन बचाए गढ़मीरपुर, काफी अच्छी फील्डिंग, 5 रन बचाए प्रधान ने, 6 रन हो सकते थे फुल टॉस। काफी गंदी बॉल डाली थी और कमांडर भी तारीफ दीवाने हैं। से रन चाहिए मुझे, बड़ा अफसोस होगा और मुझे गुस्सा आ रहा प्रधान। और यहाँ से काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी कर्मीपुर को। और दूसरी बॉल सामना करेंगे रहमान आफ्ताब की, दूसरी बॉल छोटी बॉल पागल इधर, काफी गंदी बॉल थी। ना बॉलर खेलने की 155 रन हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक्सपीरियंस की कमी साफ झलकती हुई। मोहम्मद कैफ भी बोल करते थे और अगली बॉल छोटी बॉल एक ही जगह बॉल करा रहे हैं, बल्लेबाज उसी चौक को खेलने की कोशिश कर रहा है वहीं पर। 159 रन हो गए हैं, काफी गंदी बॉल, हालांकि पहली बॉल पर 6 रन थे। और यहाँ पर चाहिए था कि रब्बान से दो ओवर कराना चाहिए था। तुझे किसने खिलाया है ना? रब्बान से एक दो ओवर कराना, काफी अच्छी बॉल करते हैं वो। आखिरकार बॉलिंग क्यों नहीं करा रही कर्णीपुर की टीम? अगली बॉल फिर से छोटी बॉल, इस बार हवा में और एक और 6 रन। और यहाँ पर बॉलर की नो बॉल भी होगी, फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट होगी। काफी गंदी बॉल, काफी गंदा ओवर, ये मैच ना अब हारे और मैच हाथ से बाहर निकलता हुआ यहाँ से। और इसे भेजिए दोनों लोगों को अपनी। फ्री हिट, बॉल 3 ले लो, 3 सही बता रहा था मैं। अरसमा बताऊं तुम ना मैं एक्सपीरियंस नहीं है टूर्नामेंट का खेलना। तो कादिर के पास बॉल जाती हुई, काफी तेज थ्रो करेंगे। और यहाँ पर रहमान काफी एक्साइटेड, रन हो गया था। गुलफरीद हंस रहे हैं, उनके साथ ही खिलाड़ी ने कॉल की थी गुलफरीद, वो काफी मुस्कुराते हुए गुलफरीद। काफी अच्छी बैटिंग की है गुलफरीद ने अभी तक। अगली बॉल ऊपर बॉल कराई और यहाँ पर देखते क्या होता है, 4 रन। भाई साहब चूतिया बंदी हो रही, वो पता क्या सोच रहा, कभी मैं रन बना दूंगा, परेशान। अब बता दिया जाए कि 163 रन हो गए हैं, जिसमें मात्र 8 रन दौड़ कर लिए है क्लियर की टीम ने, अन्यथा बाउंड्री के रन है। और अगली बॉल काफी अच्छी और यहाँ पर थोड़ा भी नहीं लग पा रहा है काफी। और यहाँ पर क्लियर की टीम ने 164 रन का टारगेट रखा, 172 रन बनाने पड़ेंगे, 171 का टारगेट है, काफी महंगा ओवर। आज बताओ टूर्नामेंट में वही आदमी खेल चुका जो मतलब दबाव उस मैदान की कीमत है। छोटा कादिर है, पूरा फुल मजा आया, टेंशन नहीं लिया।